बहुत बहुत शुक्रिया साथियों जैसा कि आप जानते हैं 14 जून 2022 को ये अग्निपथ योजना की घोषणा करी गई और जैसा कि 10 साल के सरकार के कार्यकाल में बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि कोई संवाद कोई चर्चा कोई डिस्कशंस इसको लेकर किए नहीं गए और एक तरफा निर्णय लिया गया कि संपूर्ण जो भर्ती फौज की होगी डिफेंस फोर्सेस की होगी उसको अग्निपथ के माध्यम से किया जाएगा कहा यह गया कि सेना की जो औसत आयु है वो ज्यादा हो रही है उसको कम, कम करना है कहा यह गया कि हम लोगों को अपनी डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना है लेकिन मोटे तौर पर देखने में आया है कि ये जो योजना का क्रियान्वयन किया गया ये मूलतः पैसा बचाने के लिए किया गया आ, डिफेंस एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ रहा है पर कहा जाता है कि अब कल ये परसों कहा गया कि हम डिफेंस एक्सपोर्ट से बहुत पैसा कमा रहे हैं ये भी कहा गया कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं हम इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अगर हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट को इतनी आमदनी हो रही है और हम लोग इतने सक्षम हो रहे हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि हमारे जो शौर्यवीर सैनिक हैं उनके जीवन के लिए उनकी भर्ती के लिए उनकी नौकरी पेंशन परिवार की सुख सुविधाओं के लिए हम लोग संसाधन को जाहिर करें ये अग्निवीर जो बनने जा रहे हैं इसका विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जब भी ये योजना लॉन्च हुई उसी समय से हम लोगों ने विरोध किया था क्योंकि हमें लगा कि ये चार साल की नौकरी देने के बाद सिर्फ 25 प्रतिशत लोगों को स्थायी रूप से फौज में भर्ती किया जाएगा और बाकी 75 प्रतिशत लोगों को रिलीज कर दिया जाएगा अभी कहा जा रहा था कि दस की जो है आर्म गया है लेकिन जो, जो, जो पूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित हैं अब तक उसमें सिर्फ टू पद भरे गए हैं फिर कहा गया कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अनाउंस करेंगे जो 75 परसेंट अग्निवीरों को हम छोड़ देंगे वो कहां ऑब्जॉर्व होंगे एक आध राज्य ने किया है बाकी राज्यों ने किया नहीं बेसिकली जो लोग चार साल की नौकरी के बाद एक कम उम्र में रिटायर हो जाएंगे उनके भविष्य का कुछ पता नहीं उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी उनको ग्रेचुटी जो ग्यारह लाख रुपए की दी जा रही है उसका भी जो आधा पैसा है उनकी तनखा से कट रहा है तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट कटिंग के चक्कर में हम लोग अपनी सेना की भर्ती की जो प्रक्रिया है उसे खिलवाड़ कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिसके बारे में आपको दिपेंद्र जी बताएंगे जो राज्य ऐसे हैं जहाँ सबसे ज्यादा भर्तियां होती हैं जहाँ लोग बहुत चाव से शौक से और एक मातृभूमि की रक्षा करने की भावना से सालों तक प्रशिक्षण करते हैं तैयारियां करते हैं और एक गांव में माहौल होता है कि हम फौज की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ऐसे लगभग पौने दो लाख लोग हैं जिनको आपने भर्ती दी लेकिन ज्वाइन नहीं कराया उन्होंने बहुत लंबे समय से वो धरना दे रहे अपनी मांग को रख रहे हैं हम लोग कहना चाहते हैं कि अगर ये भारत सरकार जी ट्वेंटी पे चार हजार एक सौ करोड़ खर्च कर सकती है प्रधानमंत्री के हवाई जहाज के लिए आठ हजार चार सौ करोड़ खर्च कर सकती है और इस पर सरकारें इश्तेहार के लिए सरकारी इश्तेहारों के लिए साढ़े छह हजार करोड़ खर्च कर सकते हैं तो मैं मानता हूं कि हम लोग सिर्फ पैसा बचाने के लिए अपनी भर्ती की पूरी प्रक्रिया से खिलवाड़ करें यह भविष्य के लिए हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारे भारत की इंटेग्रिटी सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज बन सकता है तो हम तो आग्रह करेंगे कि लोगों को नौकरी दी जाए जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास करी थी लेकिन अग्निवीर के माध्यम से अग्निपथ योजना के माध्यम से जो बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है देखिए भारत की जो सेना है उसके शौर्य को उसके पराक्रम को उसकी मेहनत और जाबाजी जो हमारे सैनिकों के पास है उसका कोई सानी नहीं है वी आर वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइटिंग फोर्सेज इन द वर्ल्ड आर्मीज एंड आर डिफेंस फोर्स आर सेकेंड टू नन बट देर वैलर देर स्ट्रेंथ एंड देर देर डेडिकेशन टू द नेशन शुड बी रिगार्डेड एंड रिस्पेक्टेड फॉर फ्यूचर जनरे वी ऑल फील दैट बाई कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द आर्म फोर्सेज इट मे नॉट आर्ग्यू वेल फॉर आर फ्यूचर एंड फॉर द फैमिलीज ऑफ दो पीपल हु है डेडिकेटेड देर लाइव टू द सर्विस ऑफ द नेशन तो मुझे लगता है कि ये सरकार ने बहुत जल्दबाजी में किया है हम लोग इसका विरोध करते हैं और अभी जो राष्ट्र अध्यक्ष खरगे जी हैं मल्लिकार्जुन खरगे साहब उन्होंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी है जिसके बारे में आपको अभी बताया जाएगा लेकिन हमें मानते हैं कि जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको बहुत गैरजिमानत गैर जिम्मेदाना तरीके से इस सरकार ने डील किया है और खुद जो सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं उन कई लोगों ने इस पर अपनी आपत्ति जाहिर करी है तो कांग्रेस पार्टी उन नौजवानों के साथ है जो भविष्य में सेना के अंदर अपना भविष्य देखते हैं उन सब लोगों के साथ हैं जो हमारी वर्दी पहनकर कर सरदों पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं लेकिन भारत सरकार को इस प्रकार की स्कीम नहीं लानी चाहिए थी हम इसके विरोध में हैं और सबसे पहले हमारी मांग ये रहेगी कि जिन लगभग पौने पौने दो लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास करी थी उनको सरकार ने अभी तक ज्वाइन नहीं कराया है जब ये स्कीम लॉन्च की थी उस समय हम लोगों ने इसका पूरा विरोध किया था और मैं नहीं समझता हूँ कि हम लोगों को अगर कहीं खर्चे में कटौती करनी है या कुछ और सेविंग्स करनी है तो ये माध्यम होना चाहिए हमें लगता है कि अग्निवीर जो जैसा देवेंद्र जी ने कहा अग्निपथ जो योजना है हम नहीं समझते हैं कि ये एक सकारात्मक कदम है और इसको रोल बैक कर कर हम जो पक्की भर्तियां होती थी फौज के अंदर उसको दोबारा चालू करने की बात रखेंगे और मैं समझता हूँ इस बात को हम अपने मैनिफेस्टो में भी पूर्ण तरह स्पष्ट तरीके से रखेंगे ये आर्थिक मकड़जाल बनाया गया है ना ये पहले तो था नहीं और आर्थिक मकड़जाल से निकलने के लिए आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमारे देश की अखंडता सुरक्षा के लिए जो सेना हमारी है और जो बहुत बेहतर काम कर रही थी उसको मॉडर्नाइज करना है उसकी एवरेज आयु कम करनी है उसके और बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि इसको इस प्रकार से करना चाहिए था क्योंकि इसे पूरी रिक्रूटमेंट पार्शल रिक्रूटमेंट होता कुछ समय के लिए होता लेकिन सारी रिक्रूटमेंट बंद करने के बाद और आप ये बोल रहे हैं कि अग्निवीर बनने के लिए लाखों लोग लाइन लगा रहे हैं अरे कोविड टाइम भर्ती हुई नहीं बिल्कुल और इस देश में जो इतनी रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट है उसको लेकर नौजवान क्या करें विकल्प क्या है उनके पास लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपने कहा वन रैंक वन पेंशन उसको पूरा नहीं किया अब चर्चा कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन और दो तरह की भर्ती आप हो जाएगी एग्जिस्टिंग होंगे पक्की भर्ती वाले और अग्निवीर होंगे उसमें छह महीने की ट्रेनिंग भी है छ महीने की छुट्टी भी है चार साल का कार्यकाल है तो उसमें क्या एक जो फौज की एक भावना होती है क्या कहीं ना कहीं हम इस पूरी योजना से उसे खिलवाड़ तो नहीं होगा ये बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि सरहद पर जो खड़े होते हैं एक आर्मी की यूनिट होती है फौज में एक, एक अपनापन होता है उसमें एक, उसके साथ खिलवाड़ ना हो जाए ये चिंता हम लोगों को है इसलिए आर्थिक लिमिटेशन को देखकर हम काम कर रहे और आप कह रहे हैं फाइव ट्रिलियन इकॉनमी बन रही है हम वी आर नाउ अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वी आर द टॉप ट्वेंटी अगर आप इतना आमदनी कमा रहे हैं रक्षा मंत्रालय से तो पहली प्राथमिकता हमारी मैन पावर की है उसको सुदृढ़ करने के लिए बेहतर वेपराइज करने के लिए बेहतर ट्रेनिंग करने के लिए औसत आयु बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं लेकिन जिस प्रकार एकदम से किया गया और संपूर्ण भर्ती को किया गया उसके हम लोग विरोध में है। मुझे लगता है पूरा रोल बैक करना पड़ेगा सरकार को तो दी है कृषि के, के वापस लिए थे उस समय सरकार ने कहा था कि एमएसपी को लेकर हम लीगल गारंटी लेकर आएंगे जब वादक खिलाफी हुई तब किसानों ने कहा अब चुनाव सर पर हैं कृपया उसको पूरा करिए और फिर जो हाल आप हो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है टीयर गैस डाली जा रही है लोग किसानों के साथ उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं उनके साथ बल प्रयोग किया जा रहा है उनकी बेजती की जा रही है अन्नदाताओं की तो ये सरकार वादा पूरा करने में विश्वास रखती नहीं है इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोग जैसा हमने गारंटी दी है कि सरकार बनने के बाद हम एमएसपी को लीगल फ्रेमवर्क में लेकर आएंगे ये हमारा एक संकल्प है हमारी गारंटी है हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसीलिए मुझे लगता है कि इन्होंने जो ओ का वादा किया उसको पूरा नहीं किया बल्कि बाधा खिलाफी किया भविष्य की पीढ़ियों के साथ जो फौज में अपना हिस्सादारी करना चाहती थी तो हम लोग एमएसपी पे हमारा जो घोषणा है हमारी वो पहली थी मेरे ख्याल जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से गारंटी है और वो वाली गारंटी नहीं है जुमले वाली गारंटी ये पक्की गारंटी है एम एम इज़ इज नॉट टू से ऑल आई दैट वॉज नो डिमांड फॉर हैविंग सच ए स्कीम इन द लॉन्ग टर्म दिस स्कीम विल नॉट बेनिफिट एनी बडी एक्सेप्ट सेव सम मनी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया we feel in the congress party that we should go back to the old recruiting system. if some changes are to be made to weaponize, modernize, reduce averages of the recruits, that's very much possible with the current setup. but to completely eradicate the old system of recruitment like the Ji was saying, Jahan ja log mein jate se told the 300 so, so log it is closing avenues of, of employment. one, second, it is creating two, two systems of, of individuals in the armed forces, which is not a good idea.

और मुझे लगता है कि देश की पहली प्राथमिकता हमारी डिफेंस का होना चाहिए क्योंकि बजट का बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं आती है लेकिन अब देखो जैसे जो पहले तनख्वाह थी लगभग साठ हजार रुपये की थी अब अग्निवीर जो होगा उसको मिलेंगे पैंतालीस हजार रुपये तो वो कटौती की है मैं नहीं समझता हूं कि ये कटौती जो हम कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा लाभदायक होगी डिफेंस का अगर बजट हमें और बढ़ाना भी पड़े तो हर सरकार बढ़ाती है लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग अगर भविष्य के जो रिक्रूटमेंट्स होंगे अगर सारी इस प्रकार होंगी तो उसमें एक तरह से भेदभाव हो जाता है और फिर चार साल के बाद जो नौकरी करके बाहर आएगा नौजवान उसके लिए जो भविष्य की एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत क्वेश्चनेबल हो जाती है अभी कहा कि दस परसेंट जो सी ए पी एफ है उसमें रिजर्वेशन की जाएंगी वो गवर्नमेंट ऑर्डर है उसकी कोई सैचुटरी कोई लेजिस्लेटिव बैकिंग नहीं है वो कल रिवर्स कर सकते हैं उसको और फिर कहा अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट स्टेट पुलिस में रिक्रूटमेंट देंगी कितनी स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऐसा अनाउंस किया है और जो एक्स सर्विस के लिए रिजर्वेशन थी उसमें से ढाई परसेंट वैकेंसी भरी गई हैं